हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम यही कहेंगे कि जो उन्होंने एक पहले आने वाले वक्त में एक सपने की तरह बात बताई थी कि भाई इस तरह से होगा, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि यह बात सही भी निकली। देखिए, जो 48 किलोमीटर का सेक्शन है, इसका 90% पार्ट जो लगभग टनल्स में ही है, उसमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जैसे आप अभी जो एक टनल है 12.77 किलोमीटर लंबी, जो सबसे लंबी टनल है, इसको बनाने में रेलवे को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए रेलवे ने इस टनल को पूरा किया और इस 48 किलोमीटर सेक्शन को हमने पूरा किया है। और इसके साथ साथ इसके जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, विद्युतीकरण हुआ है, तो विद्युतीकरण भी पूरा हो गया है और गाड़ियां अब यहां पर विद्युत ऊर्जा से चलेंगी। हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे मैं पूरे J&K के पैसेंजर की बात करूं, जैसे आउट ऑफ स्टेट के जो जितने पैसेंजर्स और टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए बहुत, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। सफ़र भी आसान हो गया और जो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जैसे एज ए बस में जो ट्रेवल करते थे लोग, उनके लिए जो मुश्किलात होती थी, उनके लिए बहुत आसान हो गया ये। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम यही कहेंगे कि जो उन्होंने एक पहले आने वाले वक्त में एक सपने की तरह बात बताई थी कि भाई इस तरह से होगा, और लोगों के अंदर एक शऊर था, एक शक था कि भाई ये बात झूठी हो सकती है, लेकिन आज उन्हें साबित कर दिया कि ये बात सही भी निकली और ये आज फिज़िकली आपके सामने यहाँ पर अपोजिट में है। और माना से